प्यार में धोखा हो गया है। प्रेमी के लिए पति को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, लेकिन शादी के बाद प्रेमी ने छोड़ दिया। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां एक पत्नी ने पति को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया प्रेमी की खातिर। प्रेमी ने हालांकि बाद में तुरंत प्रेमिका को छोड़ दिया और घर में रखने से इनकार कर दिया। पूरी बात आपको बताते हैं। कहानी है जो प्यार में धोखे की कहानी है, ये जो अक्सर सामने आती रहती है और जो ये एक बार फिर सामने आई है। मुजफ्फरपुर की एक महिला के ने नए प्यार की चाहत में अपनी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर ली। जिससे प्यार की उम्मीद की थी उसने धोखा कर दिया और अब वह अपने हक के लिए संघर्ष कर रही है। कहानी मुजफ्फरपुर के औराई थाना क्षेत्र के गांव की है, जहां शादीशुदा महिला को अपने मायके के ही एक युवक से प्यार हो गया। प्रेमिका को प्रेमी ने तरह तरह के सपने दिखाए, जिससे दोनों के बीच एक दूसरे को लेकर चाहत इतनी बढ़ गई कि प्रेमिका ने अपने पति को छोड़ दिया और प्रेमी के साथ रहने का निर्णय ले लिया। प्रेमी प्रेमिका ने भगवान को साक्षी मानकर शादी भी रचा ली मुजफ्फरपुर के सूर्य मंदिर में, और प्रेमी प्रेमिका जो है पति पत्नी की तरह साथ रहने लगे। प्रेमिका से पत्नी बनी महिला बार बार ससुराल ले जाने की डिमांड पति से करने लगी, पर पति बहाना बना बना कर बात को टालता रहा। जब प्रेमी का मन भर गया तो उससे दूरियां बनाने लगा, जिसके बाद प्रेमिका को धोखे का एहसास हुआ। ससुराल जाने के लिए प्रेमी से जिद पर अड़ गई, जिसके बाद प्रेमी ने प्रेमिका की जमकर पिटाई भी कर दी। यानी प्यार जो था काफूर हो गया, प्यार जो है उड़नछू हो गया और मामला मारपीट पिटाई तक पहुंच गया। आपको बताएं कि मारपीट के बाद इसकी जानकारी जो प्रेमिका जो अपने प्रेमी के साथ भागकर अलग परिवार बसाना चाहती थी उसने अपने परिजनों की दी, और इस मामले में कई बार पंचायत भी की गई, लेकिन पंचायत की बात उस युवक ने नहीं मानी। पुलिस प्रशासन और पंचायत के द्वारा न्याय नहीं मिलने पर प्रेमिका ने प्रेमी को सबक सिखाने के लिए बड़ा कदम उठाया और घर में ही प्रेमी के घर में ही जाकर बैठ गई। ऐसी कोई बात नहीं है, ये लोग इधर से अपना डरा धमका के उसको डरा धमका रहा है। उससे हमको सर कोई माने मतलब नहीं है, 8-9 साल से कोई माने मतलब, कोई नाता रिश्ता नहीं है। हम मैके में रहते थे हम। उसके बाद ये लाइफ में मेरे जिंदगी में आया, बोला कि तुम्हारे जिंदगी में बहुत दुख है, तकलीफ है। हम मेरी भाभी भी बोली उसको कि मेरी ननद शादीशुदा था, बोलते हैं कि हम जानते हैं कि वो शादीशुदा है, फिर भी हम उससे पसंद करते हैं, उससे हम शादी करना चाहते हैं, उसके बगैर हम नहीं जिएंगे, मर जाएंगे। मेरी भाभी को रोज कहते थे भाभी जी शादी करवाइए। पहले पति का कितना बच्चा है आपके पास? मेरे पास एक बच्चा है सर, एक बच्चा है। कब शादी हुई थी? पहले शादी का था कुछ दिन ज़्यादा हो गया है। उसके बाद मुझे पहले वाले से बहुत दुख तकलीफ था जिंदगी में, बहुत ज़्यादा दुख था। तो हम हमेशा मैके में ही रहते थे। उसके बाद मेरे भाभी बहन कहीं और भी शादी तय किया था मुझे करवाने के लिए। तो क्या करें कि इनको हम बोले, इनसे बातचीत होता था फ़ोन पर, तो हम बोले मेरी भाभी मेरी बहन कहीं और शादी करवा रहे हैं, तो बोले कि नहीं तुम हमारे अलावा कहीं भी शादी करोगे तो साले को जान से मार देंगे। ऐसे ऐसे धमकी देते थे कि तुम मेरी हो, तुम मेरी बन के रहना, हम तुमको कभी भी नहीं छोड़ेंगे, समाज बदल जाएगा, दुनिया बदल जाएगा, लेकिन तुम नहीं बदलना, मुझे ऐसे ऐसे कहते थे, समझे। तो भाभी जाके हुआ मंदिर में शादी करवाएं, भाभी जाके शादी करवाएं। उसके बाद शादी ब्याह करके मुझे 4 साल 4.5 साल तक बहुत खुश रखे। ये अचानक सर दुकान जब से कर दी उसके बाद से नहीं हमको खेवा खर्चा देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। अब बार बार धमकी देते हैं कि तुमको जान से मार देंगे तुमको, बार बार धमकी दे। घर में अभी उनके घर में 16 दिन से खाना पानी कुछ नहीं दे रहे हैं, 1 रुपया तक नहीं दे रहे, ऊपर से हमको पटक पटक के मार रहा है। वहाँ प्रेमी और उसके परिजन प्रेमिका का विरोध कर रहे हैं, वही प्रेमिका को अपनाने से इनकार कर रहा है, जो प्रेमी जिसने शादी किया और जिसके लिए अपनी शादीशुदा जिंदगी प्रेमिका ने चौपट कर दी। बताया ही जा रहा है इस मामले के बारे में कि 2008 में महिला की शादी मोतिहारी जिले के चकिया में गांव के एक युवक से पूरे रीति रिवाज के साथ हुई थी। शादी के बाद कुछ दिनों तक सब ठीक था, 2 बच्चे भी हुए। पति से अनबन और पति से प्रताड़ित होने के बाद एक बच्चे को ससुराल छोड़कर एक बच्चे के साथ मायके चली गई और
इसी बीच उसने नया गांव पंचायत के सुजीत कुमार गुप्ता से उसकी जो दोस्ती हुई, बातचीत हुई और उसके बाद शादी नचाई। विवाहिता की आपीति जो है, ये कहानी जो है सुनकर लोग भरोसा दिलाया है कि उसे न्याय मिलेगा। हालांकि पीड़िता जो है, पीड़िता न्याय की अब गुहार लगा रही है तमाम जगहों पर, उसने कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया है। तो ये तमाम बातें सामने आई हैं, यानी कि जो प्यार में घर बसा बसाया, घर उसने उजाड़ दिया, लेकिन न प्रेमी मिला न पति। बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।